छोटी घटना है क्या कि पैरासीटामोल एचसीक्यू ये दोनों 130 करोड़ की देश को पहुंचाया, 130 देश। अभी वैक्सीनेशन हो रहा है, 80 लाख से ज्यादा वैक्सीन, 82 लाख के आसपास वैक्सीनेशन हो गया और इंडिजिनस वैक्सीन हमारी बनी और सारे देश कोई दूसरे देशों का नहीं खरीदना चाह रहा है, 16 देशों को अपनी 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 जरूरतों को पूरा करते हुए 16 देशों को आज भारत वैक्सीन दे रहा है और लाइन लगी हुई है देशों की जो हमसे वैक्सीन मांग रहे हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो निश्चित रूप से लोकल फॉर वोकल की बात कही गई है और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जयराम जी से भी निवेदन करूंगा कि हम सब लोग इस काम को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के लोगों को भेंट में कुल्लू का की टोपी देते हों, किन्नौर की टोपी देते हों, कुल्लू की शॉल देते हों, चंबा का रुमाल देते हों, तो आप समझिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी हिमाचल के लोकल को वोकल करने में और ब्रांड बनाने में कितना बड़ा योगदान कर रहे हैं। हमारा काम होना चाहिए। अभी अभी हम राजदूतों के साथ पार्टी में बैठक करने वाले हैं, हम हिमाचल की उसमें से चीज़ें दी जाएंगी, हम इसको पॉपुलराइज करेंगे, दुनिया में इसका इसका इसकी छाप बननी चाहिए। लेकिन उसमें हम भी हम हर ज़िले में इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो उसका हमको लाभ मिलेगा, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जहाँ तक हिमाचल को, और ये देखिए आपको प्राउडली कहना चाहिए कि जब जब एनडीए की सरकार आई है हिमाचल मुख्य धारा में आया है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो विपक्ष में रहा हुआ हूँ, लंबे समय विपक्ष में गुजरे हैं, महेंद्र सिंह जी बैठे हैं, हमारे रवि जी बैठे हैं, सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों की स्थिति क्या होती थी। गुलाब सिंह जी बैठे हैं, हम सबको मालूम है कि हमारी स्थिति क्या होती थी, विपक्ष में लंबे समय बैठे हुए हमें मालूम है। केसी पंत साहब के सामने हम, फाइनेंस कमीशन के सामने हम गए थे, क्या हुआ था वो भी हम सबको मालूम है। हमें मालूम है सालवे साहब के समय में, जमाने में हमारे से स्पेशल कैटेगरी स्टेट ले लिया गया था, और हमें वो भी मालूम है कि जब धूमल जी मुख्यमंत्री बने, अटल जी से जिसको हम कहते हैं रोस मलेखा दिखाते थे और 200 करोड़ और 250 करोड़ और 300 करोड़ एक्स्ट्रा लेके आ जाते थे, हिमाचल मेन फोकस में था। हर आदमी कहता था अटल जी हिमाचल को अपना घर मानते हैं, ये खाती थी, और वही मोदी जी ने किया, बिना मांगे हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेट हिमाचल को लौटाएंगे बिना मांगे। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम पावर की, अब ये अटल टनल लोग नहीं जानते, और मैं आपको बताता हूं आप भी नहीं बोलेंगे तो लोग भूल जाते हैं, और बताना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सब लोग शर्माए ना, कई बार होता है, इसको तो मालूम ही होगा, कुछ नहीं मालूम होता है, बताना पड़ता है, और एक बार नहीं बताना पड़ता, कई बार बताना पड़ता है, और एक बार नहीं बताना पड़ता, रटाना पड़ता है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपको एक घटना सुना देता हूं मैं। अटल जी ने अटल टनल का शिलान्यास किया, शिलान्यास के बाद सरकार बदल गई, ठंडे बस्ते में पड़ गया, प्रोजेक्ट लगभग बंद हो गया, कोई पूछने वाला नहीं था, कहीं उसकी राजनीतिक चर्चा नहीं थी। मुझे याद है धूमल जी के साथ हम मनाली में गए थे, प्रेणी में वहां बैठे थे, कब से उन्होंने पूछा हुआ अटल टनल का, उस उन्होंने कहा लाहौल स्पीति के टनल का क्या, मैं जा रहा था ले, तो बोले कितने टाइम लगता है, कैसे जाओगे और कितना समय लगेगा, खुद चलाओगे, ऐसा करके मेरे से पूछा उन्होंने। मैंने उनको जवाब दिया कि 2 दिन लगेंगे, आज लाहौल स्पीति रुक केलोंग रुकूंगा, फिर वहाँ से चलूँगा, फिर सवेरे खुद ड्राइव करोगे, हाँ ठीक है। फिर उन्होंने अपने से पूछा वो टनल का क्या हुआ, मैंने कहा जी अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, पत्थर वहीं का वहीं है, ये पत्थर मेरे लिए मेरे सीने पर पत्थर के रूप में, ये उन्होंने कहा, हमने कहा था ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ज़रूर वहाँ हम टनल बनाएंगे। आपको पता है उसके बाद कई लोगों ने शिलान्यास किया, कई कुछ किया, कई कुछ हुए, कुछ नहीं हुआ। मोदी जी आए
वॉर स्केल में काम शुरू हुआ और मोदी जी ने खुद मॉनिटरिंग की, आज वो अटल टनल सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं पूरे डिफेंस के लिए वो एक रास्ता बन गया, इसको हमको समझना है। ये छोटी घटना है, 14,000 से ज्यादा किलोमीटर की सड़क बॉर्डर में बन गई। एक राजनीतिक दल था वो चर्चा करता था कि बॉर्डर में, एक डिफेंस मिनिस्टर ने कहा व्हाट इज द यूज ऑफ बॉर्डर रोड्स। एक समय ये अंतर होता है राजनीति का, सही आदमी के बैठने का और गलत आदमी के बैठने का। मैं कई बार, पिछली बार भी मैंने कहा था कि उजाले का मजा लेना हो तो अंधेर की मुसीबत को समझना सीखो। ये अंतर होता है, एक नेता अंधेरे में ढकेल देता है और एक नेता आपको उजाले की ओर ले जाता है, रास्ते की ओर ले जाता है। ये हमको समझना चाहिए, एक पार्टी आगे लेकर के चलती है और वो हमारे लोगों ने किया, मोदी जी ने किया। आज ये डिफेंस रोड्स, आज आपने देखा होगा चाहे डोकलाम से लेकर के गलवान वैली की बात कर लीजिए, कहीं की भी बात कर लीजिए, जिस तरीके से भारत ने भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया है मोदी जी के नेतृत्व में, 130 करोड़ के देश के जनता की छाती चौड़ी हो जाती है, इस बात को हमको समझना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये उजाला योजना, ये उज्ज्वला योजना, ये आयुष्मान भारत, ये हिम केयर, ये हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, ये छोटी घटनाएं नहीं है, इनको आप छोटा मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, जो काम किया है वह जनता तक ठीक से पहुंचे, लास्ट माइल डिलीवरी, और लास्ट माइल डिलीवरी के साथ साथ उस व्यक्ति को के दृष्टि से सरकार ने जो काम किया है वह भी समाज में उसको भी प्रतिपादित करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। हम उज्ज्वला योजना, उजाला योजना की बात करते हैं, क्यों नहीं करें। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ, किसी भी वार्ड में चले जाओ आपको 10 से 12 वार्ड में बुजुर्ग मिल जाएंगे अपने फेफड़े सुखा के बैठे हुए, आपको कम से कम 15 से 20 महिलाएं मिल जाएंगी लेडीज वार्ड में चले जाओ जिनके फेफड़े काम करना बंद कर रहे हैं, बहुत दिक्कत में है। कारण क्या? रसोई का चूल्हा, चूल्हे का धुआं। आज अब देखिए पल्मोनरी डिजीज धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। अब जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, आप और हमारे जैसे लोग, उनको ये तो समझना पड़ेगा ना कि भाई उज्ज्वला योजना से कितना अंतर आया है। अगर हम 1.5 करोड़ लोगों को 17,500 करोड़ रुपए खर्च करा करके, मेजर ऑपरेशंस करा करके गरीब लोगों को बचा लेते हैं, तो क्या इस बात को हमको प्रतिपादित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे याद है, मैं, आपने राज्यसभा का सदस्य बना है, मैं चला गया ब्रह्मपुत्र में, आप और हम साथी रहते, तो वहाँ एक लिफ्ट मैन था। जब मैं ऊपर से उतरना, मेरी आदत है हमेशा कुछ ना कुछ गपशप लगाता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ और कुछ हंसी मजाक की भी बात कर लेता हूँ, ताकि उसको मैंने देखा हमेशा सीरियस, बटन दबाना, खड़े हो जाना, उतर जाना, चले जाना, नमस्कार सर। मैंने एक दिन पूछा, भाई तू इतना सीरियस क्यों रहता है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। फिर मैंने अपने छोटे बेटे को कहा कि इससे ज़रा पता करो कि क्या बात है, तो उसने बताया कि उसकी श्रीमती जी को हार्ट की बीमारी है, ऑपरेशन में 1.5 लाख रुपए लगेंगे, ये ऑपरेशन के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, वह एक साधारण सा लिफ्ट मैन है और वह उसको दवाई देता है, उस दवाई से काम चल नहीं रहा है और वाइफ की तबीयत ऐसी हो गई है कि वह 10 कदम भी नहीं चल सकती। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो उसको बोलो कि कल वो राम मनोहर या हॉस्पिटल में चला जाए, और वहाँ मैंने डॉक्टर का एक नाम बताया उससे, उससे मैंने बात की, एक फ़ंड होता था, उस समय मैं स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं था, एक फ़ंड होता था, रोटेटिंग फंड होता था, जिसको MS मेडिकल सुपरिंटेंडेंट उसमें से बिल बना करके गरीब आदमियों को बांट सकता था। तो मैंने कहा बना दो उसका, कर दो। तो उन्होंने कोई 75,000 का बिल बना करके रिबेट करके लगा करके दे दिया, जो उन्होंने कहा, उसका ऑपरेशन हो गया। उसके चेहरे की खुशी जो मैंने देखी और मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला, कितनों के घरों की कहानी होगी सोचो ना आप, कितनों के घरों की कहानी होगी। और आज मोदी जी के कारण 1.5 करोड़ लोगों ने यह फायदा उठा लिया है, इस बात को हमको समझना है। तो आप बोलोगे हाँ ये तो होता ही है, होता नहीं है भैया, बड़ी मेहनत करनी ये बूथ पर, रगड़े खाने पड़ते हैं, एक एक को लाना पड़ता है, वोट डलवाना पड़ता है, कमल खिलाना पड़ता है,
मोदी जी को आगे लाना पड़ता है, किशन कपूर जैसे को पूरी वोटों के साथ जिताना पड़ता है, तब जाकर के धारा 370 समाप्त होती है, आयुष्मान भारत आता है, तब जाकर के विकास होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। सी वी आर दी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेंज, हम परिवर्तन लाने वाले माध्यम हैं। आप लोग सबको बड़े हंस रहे हैं कि कृष्ण कपूर जी को जिताना पड़ता है, सबको जिताना पड़ता है। क्षमा करिएगा, मतलब कपूर साहब अपने ऊपर आप नहीं लेना, सबको जिताना पड़ता है। मैं देख रहा था कुछ चेहरे, तो मैंने कहा कि मैं क्लेरिफाई कर दूं, नहीं तो कल पत्रकार बाकी सब मेरा आयुष्मान सब चला जाएगा। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप इस बात को समझिए कि लीडरशिप का अर्थ क्या होता है। आज आप बताइए, हमारे देश का कॉन्फिडेंस लेवल ये वैक्सीन आने के कारण हुआ है कि नहीं हुआ है? ये छोटी घटना है क्या? आप बताइए कि हमारे यहां सबसे अच्छा रिकवरी रेट हुआ कि नहीं हुआ?